बहुत झन संगवारी मन ह खुर्रा बावत करत हे, जेकर कर पानी के साधन हे वो थरहा दे चुके हे या दे के तैयारी करत हे। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चलत हे। इस साल बीच बीच में पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकरस जुताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। काबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं, दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करे थे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलके करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान पर हो, चाहे मक्का पर हो, चाहे दलहन तिलहन पर हो, सबकी तैयारी कर चुके हैं। जिन गांव भर के जिन तैयारी करना है उनमें आप सब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए पर सबसे ज़्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमर अनाज के बीज उस समय ओकर देखभाल करे की बहुत आवश्यकता पड़ते। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान होते, रखवारी की भी समस्या होती। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है। पार्टियां मन लौटी धर थे, गांव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ले याद हुई कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। इस साल हमन हा नरवा के संधारण पर नरवा मल्ल पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मल्ल हमन का प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। अगले साल भी वही योजना हमन लगातार चालू रखो। मनरेगा में बहुत अकन काम हुए हैं, जिमें गौठान निर्माण भी काम हुए हैं। अभी तक के करीब 2200 गौठान के निर्माण हो चुके हैं, 2800 निर्माणाधीन है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 पंचायत है और में 5,000 गौठान पूरा हो जाए यही साल। गौठान के हमला सदुपयोग करना है। गरवा मन के रोका छेका के व्यवस्था हमें जितनी जल्दी करबो हमारे फसल उतनी सुरक्षित रही। और ये कारण से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके रोका छेका की व्यवस्था कराओ। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए और में बहुत अकन और गतिविधि संचालित हुई जेकर से रोजगार भी निर्माण होना है। हमारे जैविक खातु भी बनी, आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आवश्यकता है। तो सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के देकर भर रोका छेका जरूरी है। और आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। ये साल किसान मन में उत्साह है, रकबा भी बढ़ी और किसान मन की संख्या भी बढ़ी। तो आप जब अतिक उत्साह से और जब आप काम कर रहा था तो आपकी फसल भी सुरक्षित होना चाहिए। दे पाए के सबो किसान मन ला चरवाहा मन ला मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके पांच सरपंच किसान भाई बहनी मन सबो जन बैठक करके ये निर्णय लो तो एक छत्तीसगढ़ पर एक नया दिशा हो ही। काबर की यदि हमारे यहाँ चरागन नहीं हुई तो हमने दूसरा फसल के तैयारी भी जल्दी कर लेबो। बहुत अगर किसान मन ए पाए कि विलंब से खेती शुरू करते काबर की पार्टियां मन लौटी नहीं धर रहा है, गरवा मन की व्यवस्था नहीं हो रहा है, एक कारण से रोपाई वगैरह बहुत विलंब से होते।
यदि पहली रोपाई कर लेबो तो हम पहली फसल कट जाए तो हम दूसरा फसल के तैयारी भी कर लेबो। दूसरा फसल जल्दी ले सका एकर भी जरूरी है कि हमारे गरवा मन के प्रबंधन हो। और ये हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल कोरोना के संकट के बावजूद भी किसान भाई मन लग कोनो प्रकार के तकलीफ मत होए तेकर सेती कृषि विभाग और सहकारिता विभाग मिल के प्रत्येक सोसाइटी में खाद बीज के व्यवस्था करे है। करीब 60% किसान मन ह खाद बीज उठा चुके हैं। जिन किसान मन नहीं उठाए थे मन तेकर मन से आग्रह है कि खाद बीज के उठाव कर लाए ताकि जो हमार भंडार गृह है उसमें और खाद हमन ला के रख सकन। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन बाड़ी योजना है जिनमें भी आप बीज वितरण किए जाते कृषि विभाग के द्वारा भी और जिन वनांचल एरिया है उनमें वन विभाग के द्वारा भी ये बाड़ी योजना हाथ में ले गए। और एकर माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके बाड़ी में हर प्रकार के जिन सब्जी है तेकर उत्पादन हो फल भी उत्पादन हो एकर बर पर्याप्त बीज के व्यवस्था किए गए एकर लाभ किसान भाई मन उठाए ताकि जिन आज कुपोषण के लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ा थे ओमें हमारा सफलता मिले हमारे लड़का मन तंदुरुस्त हुए तेकर बर जरूरी है कि मल्ला ओकर भोजन में ओकर थाली में हरा सब्जी साग भाजी होना जरूरी है फल जरूरी है। तेकर से अपन बाड़ी में हर प्रकार के सब्जी के लगाओ ताकि कोनो प्रकार के कुपोषण के शिकार से हम बच सकें। धन्यवाद। जय जवाहर।